सो हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो घर पे हो रहे थे बोर और मेरे पापा जा रहे हैं बाहर। तो हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे पापा ने, कि वी आर गोइंग टू जंगल, ठीक है, टू फाइंड सम वाइल्ड वेजिटेबल्स। तो मुझे तो नॉलेज है नहीं जंगल में क्या क्या हमें खाने वाली चीज़ें मिलेंगी, बट मेरे पापा को पक्का है, तो हम जा रहे हैं पापा के साथ। कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हम मम्मा को भी साथ लेके जाएंगे। बट वेयर इज़ माई मॉम। मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाऊँ कितना अच्छा है। मैंने पीछे अलमीरा खोली थी, फिर जोर से टक्कर कुछ इन लोगों को तैयार होते होते मैं कुछ पानी वानी पी लेती हूँ। मम्मा का वेट हो रहा है। सो फाइनली मेरी मम्मा हो गए रेडी। चले पापा कहाँ हैं? सब्जी लेने जा रहे हैं। हाँ। तो वो किस मौसम में लगती है या पूरे 12 महीने मिल जाती है? ना ना। हाँ। वो अप्रैल में शुरू होती है। हाँ। और मई एंड तक अच्छी मिलती है। पेड़ देखो ऊपर पूरा अंदर से एकदम खोखला है बट फिर भी हरा है। यहाँ से पापड़ देखो ढूंढना शुरू हो गए। मुझे मिलना कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे ये चीजें दिखती नहीं है। मम्मी को भी धड़ धड़ मिल रही है, पापा को भी मिल रही है, मुझे ही नहीं दिख रही है। मुझे भी कुछ दिख रहा है। ये है मिल गई। ये है पर सख्त है बड़ी। ओह नाइस, मुझे भी मिली ये। बड़ी मेहनत का काम है भाई, ढूंढ ढूंढ के चीज लानी पड़ रही है, मुझे तो मिल ही नहीं रही है। मम्मी पापा लगे हैं दोनों ढूंढने में, मुझे नहीं दिखती। ये देख। ओह सो गाइस, ये है वो जड़ी बूटी, पर मुझे मिल ही नहीं रही है। मैंने बड़ी ढूंढी, थोड़ी सी मिली, एक दो। नाइस। अगर मिले तो ऐसे मिलती है। तो यहाँ की लोकल भाषा में इसे कसरोड़ कहते हैं और हिमाचल में इसे लिंगड़ कहते हैं, पर ये वहाँ पे होती है जहाँ पे देवदार के जंगल होते हैं। लाइक हिमाचल में भी है, जेएनके में भी है और मे बी उत्तराखंड वगैरह में भी हो, वहाँ का मुझे पता नहीं है। क्या तीन तीन चार चार देवदार के पेड़ कट्ठे होते हैं ऐसे सात सात लगे होते हैं। अब कम हो गए ना। हाँ, क्योंकि देवदार के ना जो पत्ते होते हैं क्या होते हैं मुझे नहीं पता। ये जो होते हैं काफी स्लिपरी है देवदार के, मेरा शू स्लिप हो रहा है बार बार। एक और सब्जी होती है, उसका नाम है सराल। सराल सराल तो उसको दही के साथ या छाछ के साथ उबाल कर फिर बनाया जाता है, वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। कहाँ मिलती है वो? अभी हम मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो जंगल मतलब कितना बेनिफिट देते हैं ना। हाँ। लोगों को सब्जी भी बन के अब जंगल में मिलती है। यहाँ पास ही एक और मिलेगा तो मैं बता दूंगा, एक होती है बन मिश्री। बन मिश्री यानी इतनी ज्यादा ठंडी होती है, बिल्कुल मीठी होती है मिश्री की तरह, उसकी जड़ ऐसे आलू की तरह समझो बड़ा होते हैं, तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है वो, उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो यही पेड़ मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। दिस प्लेस इज वेरी पीसफुल।
बहुत शांत से। पापा को मिल गई है वनमिश्री, ठीक है वो मुझे बुला रहे हैं। यहाँ वनमिश्री का सिंगल पेड़ होता है और उसके नीचे मैंने बोला आलू की तरह एक होता है, वो काफी जिन्हें हिडन छुपा हुआ होता है। देखें ये है इस जंगल के बीच में, बीच में ये वाला जो पौधा है, ये वाला आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें, ये इसके पत्ते भी अलहदा किस्म के होते हैं। ये देखें, ये थोड़ा नीचे करो, ये देखें इसको फूल लगे होते हैं बढ़िया से, ये फूल लगे होते हैं, ये देखो। एक ये दोनों मम्मी पापा गायब हो जाते हैं, मैं रह जाती हूँ सुनसान घने जंगल में अकेली। पता नहीं कहाँ जाती मम्मी, दिख रहा वाह वेरी टायर्ड। सो गाइस ये है ग्राउंड, इस ग्राउंड में होता है दंगल, जो कब हुआ था पापा जी 82? ये 82 में फॉर्मल तरीके से 82 में ये स्टार्ट किया मैंने, यहाँ छोटी सी कमेटी बनाई, यहाँ पर प्रमिनेंट सिटीजन 7-8-10 किए, फिर हमने कलेक्शन वगैरह करी और शुरू कर दिया। तो मैं 82 की बात करूँ तो 448 रुपीज हमारी कुल कलेक्शन हुई थी, आप आइडिया लगा लो, लेकिन फिर भी हमने दंगल किया था। तो अभी हम पिछले साल दंगल हुआ था, पिछले साल तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, उससे पिछले साल तो हमने 40,000 की एक कुश्ती करवाई थी, उसे शूटिंग कितनी होगी आप देख सकते। दंगल मेरे पापा ने स्टार्ट करवाया था, सो टायर्ड एंड गोइंग बैक टू होम। गाचा के भी दिखाती हूँ फाइनल में, वो जो हम वेजिटेबल लेके आए हैं जिसका नाम कसरोड है, वो है कैसी। ये इसको यहाँ की प्रादेशिक भाषा में करीर बोलते हैं, करीर, लेकिन ये जंगली गुलाब है, ये इतना अच्छा इसके जो पत्ते हैं, इसको आप उखाड़ के इसमें थोड़ा सा गंगा जल, गुलाब जल और इसमें मुल्तानी मिट्टी लगाकर इसका ग्राइंड करके इसका अगर लेप लगा दो तो ये खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे, चेहरा जो है बिल्कुल साफ रहेगा। गर्ल्स दिस वन इज फॉर यू, ये पापा की ब्यूटी टिप, मैं भी लगाऊंगी, आई हैव सो मच एक्ने ऑन माय स्किन। ऐसे इसको साफ किया जाएगा, लुक पहले जिसको ऐसे बाल बाल से रहते हैं कुछ, फिर उसको साफ करते हैं तो ये ऐसी बन जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, और आप भी जाओ अगर आपके वहां देवदार के जंगल हैं, जाओ ढूंढो, आपको भी शायद से ये जंगली वेजिटेबल मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो आप मेरी वीडियो देखो, यहीं से मजे ले लो सब्जी के, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।